क्या हाल चाल है दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे एक लेटेस्ट स्मार्ट वॉच की जो आती है फायरबोल्ट कंपनी की ओर से और इसका मॉडल नेम है निंजा 3 और ये निंजा सीरीज की स्मार्ट वॉच है। इसी सीरीज में आपको अदर स्मार्ट वॉच भी मिल जाएंगी। कंपनी ने अभी रिसेंटली फायरबोल्ट निंजा प्रो प्लस को लॉन्च किया था जो कि फ्लिपकार्ट पर लॉन्च की गई थी और वो स्मार्ट वॉच भी अंडर 2000 रुपीज में ही लॉन्च की गई थी और यहाँ कंपनी ने इस स्मार्ट वॉच को भी अंडर 2000 रुपीज में ही लॉन्च किया है। इसका लॉन्चिंग प्राइस है 1799 रुपीज यानी आपको 1800 रुपीज में मिल जाएगी, जिसे आप Amazon पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं और यहाँ इसका प्राइस भी काफ़ी कम्पिटिटिव रखा गया है। अब देखना ये होगा कि ये स्मार्ट वॉच क्या वैल्यू फॉर मनी है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि ये स्मार्ट वॉच आपको परचेज करनी चाहिए या फिर नहीं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। चलिए दोस्तों वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बॉक्स का ओवरव्यू कर लेते हैं। बॉक्स के फ्रंट साइड में फायरबोल्ट की ब्रांडिंग और इसका मॉडल नेम मेंशन किया गया है। इसमें 1.69 इंच की फुल टच डिस्प्ले का यूज किया गया है और इसके राइट साइड में कुछ की फीचर्स को हाईलाइट किया गया है और इसके लेफ्ट साइड में भी कुछ की फीचर्स को हाईलाइट किया गया है। बात करें बैक साइड की तो बैक साइड में भी कुछ की फीचर्स को मेंशन किया गया है जिनके बारे में आगे वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। बात करें इसकी प्राइसिंग की तो बॉक्स पर इसकी प्राइस मेंशन की गई है 799 रुपीज, लेकिन ये अमेजोन पर आपको 1799 रुपीज में मिल जाएगी, जिसे आप अमेजोन पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब जल्दी से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं बॉक्स में क्या क्या एक्सेसरीज साथ में दी गई है। और बॉक्स को ओपन करने के बाद ये सभी एक्सेसरीज साथ में देखने को मिल जाएंगी, जिसमें सबसे पहले एक यूज़र मैनुअल दी गई है जिसे रीड आउट करके आप इस वॉच को ऑपरेट कर सकते हैं और साथ में एक वन ईयर का रजिस्ट्रेशन कार्ड भी दिया गया है जिस पर QR कोड मेंशन है। इसे स्कैन करके आप इस वॉच को वन ईयर की वारंटी के लिए रजिस्टर कर सकते हैं और साथ में कुछ कार्ड डिटेल दी गई है जिसमें आपको गाना ऐप वगैरह का सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा जिन्हें आप रीड आउट कर सकते हैं। और साथ में एक चार्जिंग केबल दी गई है जो कि एक मैग्नेटिक चार्जिंग केबल है जिससे आप इस वॉच को चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों फाइनली आवाज आते हैं अपनी स्मार्ट वॉच पर और सबसे पहले इस प्लास्टिक स्टिकर को रिमूव कर लेते हैं, फिर बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की। इसमें स्क्वायर शेप डिजाइन का यूज किया गया है, साथ ही पॉलीकार्बोनेट मटेरियल का इसमें यूज देखने को मिल जाएगा। बात करें इसकी थिकनेस की तो ये काफ़ी स्लिम भी देखने को मिलती है और ये स्मार्ट वॉच काफ़ी लाइट वेट भी फील होती है, ये आपको बिल्कुल भी बल्की फील नहीं होगी। इसके राइट साइड में सिंगल बटन का यूज किया गया जिससे कि आप इस वॉच को ऑपरेट कर सकते हैं। बात करें बैक साइड की तो बैक साइड में फायरबोल्ट की ब्रांडिंग मिल जाएगी और सभी सेंसर का यूज किया गया है जिससे कि आप हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स के लिए इनका यूज कर सकते हैं। और साथ ही स्ट्रैप क्वालिटी की बात करें तो इसमें सिलिकन स्ट्रैप का यूज किया गया है जो कि काफ़ी हद तक सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल फील होती हैं, ये आपको बिल्कुल भी एवरेज फील नहीं होगी। और ये रिमूवेबल स्ट्रैप दी गई है, इन्हें आप अपने यूज के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के मामले में वॉच डिसेंटली परफॉर्म करती है। और अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले क्वालिटी की। सबसे पहले इसे बूटअप कर लेते हैं तो इसको बूट अप करने के बाद इसमें फायरबोल्ट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और बात करें इसकी डिस्प्ले साइज़ की तो इसमें 1.69 इंच की HD डिस्प्ले का यूज किया गया है जो कि फुल टच डिस्प्ले इसमें मिल जाती है। साथ ही इसमें 240x280 पिक्सल रेजोल्यूशन दिया गया है जिससे आप इस वॉच को इंडोर लाइटिंग या फिर आउटडोर डायरेक्शन लाइट में भी इजिली यूज कर सकते हैं। आउटडोर कंडीशन में भी इसकी डिस्प्ले काफ़ी विजिबल देखने को मिल जाएगी, लेकिन आउटडोर कंडीशन में आपको फुल ब्राइटनेस लेवल पर ही इस वॉच का यूज करना पड़ सकता है क्योंकि आउटडोर में इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम देखने को मिलती है, तो आप फुल ब्राइटनेस लेवल पे इस वॉच का यूज कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो इस वॉच को आप दाफिट ऐप के साथ पेयर करके यूज कर सकते हैं और इस ऐप का यूजर इंटरफेस काफ़ी सिंपल दिया गया है। इसमें आपको वॉच फेसेस के ऑप्शन मिल जाएंगे जो कि क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस दिए गए हैं, इन्हें आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। स्मार्ट नोटिफिकेशन के ऑप्शन दिए गए हैं जिन्हें आप इनेबल या फिर डिसेबल रख सकते हैं। कैमरा शटर का ऑप्शन मिल जाएगा, अलार्म का ऑप्शन दिया गया है और अदर ऑप्शन भी मिल जाएंगे। फाइंड फोन का फीचर्स दिया गया है और साथ ही इसमें आपको ड्रिंक रिमाइंडर का ऑप्शन मिल जाएगा और वेदर अपडेट का भी ऑप्शन दिया गया है। और साथ ही इस ऐप में आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और हेल्थ मॉनिटरिंग डेटा को भी चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस वॉच के UI एंड फीचर्स की। इस वॉच में स्वाइप डाउन करने पर शॉर्टकट मेन्यू दिया गया है जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाएगा, वाइब्रेशन अलर्ट का ऑप्शन दिया गया है, फ्लैश लाइट का ऑप्शन मिल जाएगा जिसे आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, और थिएटर मोड का ऑप्शन दिया गया है, वेदर अपडेट का ऑप्शन दिया गया है और ब्राइटनेस लेवल को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। लास्ट में सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आपको अदर ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें स्टॉप वॉच, अलार्म, काउंटडाउन, ब्राइटनेस लेवल को एडजस्ट करना, वाइब्रेशन इंटेंसिटी को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, थिएटर मोड, रिसेट, पावर ऑफ एटसेट्रा फीचर्स आपको दिए गए हैं।
और इस वॉच में स्वाइप अप करने पर आपको सभी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जहां पर आपको मैसेज नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिया गया है, हेल्थ मॉनिटरिंग के फीचर्स दिए गए हैं, स्पोर्ट्स मोड के ऑप्शन मिल जाएंगे, वेदर अपडेट का ऑप्शन दिया गया है, कैमरा शटर का ऑप्शन दिया गया है और म्यूजिक प्लेयर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। और साथ ही इसमें इनबिल्ट गेमिंग के फीचर्स भी दिए गए हैं, जिसमें आपको 2048 थंडर बैटलशिप यंगबर्ड के ऑप्शन मिल जाएंगे, जिन्हें आप टाइम पास करने के लिए एंजॉय कर सकते हैं। और फायरबोल्ट की अदर स्मार्ट वॉच में भी गेमिंग के फीचर्स दिए गए होते हैं। और इस वॉच के टच रेस्पॉन्स की बात करें तो इसमें टच काफ़ी रेस्पॉन्सिव दिया गया है और यहाँ पर आपको बिल्कुल भी लैग फील नहीं होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा फास्ट देखने को मिलता है, लेकिन इस प्राइस रेंज को देखा जाए तो यहाँ पर आपको काफ़ी लैग फ्री यूआई दिया गया है। स्पोर्ट्स मोड की बात करें तो इस वॉच में 60 स्पोर्ट्स मोड के ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें आपको रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल एटसेट्रा फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप इंडोर एक्टिविटीज़ और आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को भी ट्रैक कर सकते हैं। इस वॉच के हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको एचआर मॉनिटरिंग, SPO2, स्लीप मॉनिटरिंग और ब्रीथ ट्रेनिंग के ऑप्शन दिए गए हैं। और इस वॉच को सबसे पहले हमने हार्ट सरफेस पर मेजरमेंट किया तो यहाँ पर ये वॉच हार्ट सरफेस को मेजर नहीं करती है, तो यहाँ पर इसके सेंसर काफ़ी हद तक रिलायबल देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और यहाँ पर आपने रियल यूजेज में भी इसका टेस्ट किया तो यहाँ पर ये वॉच ठीक ठाक ही परफॉर्म करती है। इस वॉच को आप एज ए रेफरेंस बेस पर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं तो आप मेडिकल डिवाइस का यूज़ करेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ पर आपको एक एक्चुअल रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं स्मार्ट नोटिफिकेशन की। इस वॉच में नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन दिया गया है, जहां पर आपको सभी टेक्स्ट, SMS और सोशल मीडिया नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, जिसे आप रीड आउट कर सकते हैं। और क्लियर रोल का ऑप्शन भी दिया गया है, यानी कि आप इन्हें रिमूव भी कर सकते हैं। बात करें कॉलिंग फीचर्स की, तो इसमें आपको नोटिफिकेशन बेसिक कॉलिंग का फीचर दिया गया है, जिसमें आपको रिजेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, साथ ही साथ साइलेंट का ऑप्शन भी दिया गया है। अगर क्विक रिप्लाई का ऑप्शन भी दिया गया होता तो और भी बेहतर हो सकती थी। और यहाँ सभी कंपनियों को विदाउट कॉलिंग स्मार्ट वॉच में कम से कम क्विक रिप्लाई का ऑप्शन तो देना चाहिए, जैसे नॉइज की आपको अधिकतर स्मार्ट वॉच में ये ऑप्शन मिल जाता है। बैटरी लाइफ की बात करें तो इस वॉच में 7 डेज का बैटरी बैकअप दिया गया है, जो कि नॉर्मल यूजेस पे डिपेंड करता है। अगर आप इस वॉच को हैवी यूज करेंगे तो इसमें आपको अप्रोक्स 4 to 5 डेज का ही बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा, साथ ही साथ इसमें 25 डेज का स्टैंड बाई टाइम भी दिया गया है। और इस वॉच के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें IP68 की रेटिंग दी गई है, जिससे कि आप इसे पानी में 1 to 1.5 मीटर डेप्थ तक यूज कर सकते हैं। लेकिन इस वॉच के स्पोर्ट्स मोड में स्विमिंग का ऑप्शन भी दिया गया है, तो यहाँ अगर आप इस वॉच को स्विमिंग के लिए यूज करेंगे तो इसमें डैमेज होने का इश्यू हो सकता है, तो अगर आप इस वॉच को केयरफुली यूज करेंगे तो बेहतर होगा। लेकिन फिर भी इसमें कम से कम 2 ATM या फिर 3 ATM की रेटिंग देनी चाहिए थी, क्योंकि अंडर 2000 रुपीज़ में आपको ये रेटिंग मिल जाती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, क्या स्मार्ट वॉच आपको परचेज करनी चाहिए या फिर नहीं। इसमें डिसेंट बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन का यूज किया गया है, डिसेंट ही इसमें डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी और इसमें आपको डिसेंट ही बैटरी बैकअप दिया गया है, और बैटरी बैकअप और भी इंक्रीज हो सकता था। और इसमें आपको अदर फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कैमरा, म्यूजिक कंट्रोल, वेदर अपडेट और इसमें साथ ही साथ गेमिंग का फीचर्स भी दिया गया है। लेकिन दोस्तों, अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आपको बजट प्राइस में भी एक बेहतर स्मार्ट वॉच मिल जाएगी। अगर आप प्राइस को थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकते हैं तो आपको डीजो स्पोर्ट्स का ऑप्शन मिल जाएगा और साथ ही साथ फायरबोल्ट निंजा प्रो प्लस का भी एक ऑप्शन मिल जाता है। ये दोनों स्मार्ट वॉच आपको फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। अगर आप अमेजोन से ही परचेज करना चाहते हैं तो टैग वर्ब मैक्स के लिए जा सकते हैं, जो कि अभी रिसेंटली ही लॉन्च की गई है। और अगर आप प्राइस को इंक्रीज नहीं कर सकते तो आप इस वॉच के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।